बांग्ला समाज से जुड़े हुए हमारे यहां पर बड़ी संख्या में उत्तराखंड में रहने वाले और सभी क्षेत्रों से आए हुए हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, आप सब लोग यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, सबै के नमस्कार। अपनारा हमी के जे आदर दिए चेन तार जोन्ने आमी आनंदित और गौरवित। जो आप लोगों ने मुझे आदर दिया वो गर्व का विषय है, वो गर्व का विषय है और साथ ही साथ आनंदित होने वाला विषय भी है। मित्रों, इस जनसंवाद में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें आपके सामने रखी हैं। मैं ज्यादा ना जोड़ता हुआ कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब मैं बंगाल के समाज की बात करता हूं और बंगाल समाज के योगदान की बात करता हूं, तो फिर चाहे वो राजनीति हो, फिर चाहे वो साहित्य हो, फिर चाहे वो विज्ञान हो, फिर चाहे वो समाज सुधार हो, फिर चाहे वो राजनीतिक सामाजिक गतिविधि हो, देश को अगर किसी ने दिशा और दृष्टि दी है तो बंगला समाज और बंगाल समाज अग्रगणी रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। कहते हैं, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द कंट्री थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो कंट्री, देश उसको बाद में फॉलो करता है। और हम सब लोग जानते हैं कि चाहे हम आध्यात्मिक चेतना के लिए स्वामी विवेकानंद को याद करें, फिर चाहे साहित्य से लेकर देश की आजादी से लेकर बंगाल के स्व को जगाते हुए देश के स्व को जताने की बात हो, तो हम रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हैं और बंगला साहित्य को याद करते हैं, हम अरविंदो को याद करते हैं, हम बंकिम चंद्र चटर्जी को याद करते हैं, हम देश के महान सुपूत सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं। और हमें गर्व है कि हम जिस भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसके संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, समाज सुधारक के रूप में, राष्ट्रभक्तों के रूप में, एक कड़ी, एक लड़ी, एक झड़ी वीर सपूतों की रही है, तो उसका नेतृत्व बंगाल ने किया है। यह हमको समझना चाहिए। और हम सब लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जब याद करते हैं तो हमें खुशी भी होती है, आनंदित भी होते हैं और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज हमारे युवा मुख्यमंत्री आपके सामने खड़े होकर के जब उन्होंने सारी बातें आपके बीच में रखी, क्या क्या उन्होंने यहां उत्तराखंड में बंगला समाज के लिए उसको एक रूप पिरोने में, मुख्य धारा शामिल करने में जो योगदान किया है, उसको बंगाल का समाज यहां पर कभी भूलेगा नहीं। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मित्रों, आप बताइए, क्या हमारे बंगला समाज के लोग यहां खुश हैं कि नहीं खुश हैं? खुश हैं कि नहीं खुश हैं? मुख्य धारा में है कि नहीं है? यह हमारे सोच का कारण है।
यह प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नतीजा है और उसको अमली जामा पहनाने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मित्रों, जिस बंगाल ने देश को दिशा दी, जिस बंगाल ने देश को एक रास्ता दिखाया, आज वो बंगाल बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। हमें दुख होता है, भ्रष्टाचार, अनाचार, राजनीतिक विद्वेष, अराजकता का माहौल आज बंगाल में हम सबको देखने को मिलता है। बंगाल में खून बह रहा है, विद्वेष के तरीके से काम चल रहा है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है और मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार बंगाल के साथ जुड़ गया है। किसी भी स्कैम का बात करो, भ्रष्टाचार, मिड डे मील भ्रष्टाचार, सड़क बनाना हो भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो अनाज जो प्रधानमंत्री जी ने बंगाल को दिया उसमें भी भ्रष्टाचार का काम टीएमसी के नेता वहां कर रहे हैं, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा बंगाल में, रेप केसेस सबसे ज्यादा बंगाल में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा बंगाल में, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बंगाल में, अराजकता सबसे ज्यादा बंगाल में। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि राजनीतिक विद्वेष के कारण आज वहां लगभग 191 भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रेफ्यूजी, जो लोग घर से खदेड़ दिए गए हैं, उनको शेल्टर देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव के नतीजे के बाद लगभग 53 रेप केसेस हो गए और नहीं सेक्सुअल हरासमेंट 123 हो गए और 53 मर्डर हो चुके हैं और कुल 200 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं और चुनाव के नतीजे के बाद 53 मर्डर हो गए। बोलो, ये बंगाल की स्थिति अच्छी है क्या? बदलनी है कि नहीं बदलनी है? मित्रों, पहले आप धामी जी की सरकार यहां बनाएंगे और उसके बाद आने वाले समय में प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को भी बचा करके आगे ले जाएंगे, इसके लिए हम काम करेंगे। मित्रों, मुझे दुख होता है कि लगभग 2 लाख लोग, 80,000 लोग विस्थापित हो गए, ये कैसा बंगाल बन गया? इसलिए मित्रों, आज वहां भी अगर कोई इसको ठीक करने वाला है तो प्रजातांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी यहां चर्चा हुई हमारे नमोशूद्र समाज से जुड़े हुए लोगों के बारे में, अभी समाज चर्चा हुई मतुआ समाज के बारे में। मैं कहूंगा जय जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मित्रों, हम जानते हैं कि आप किन परिस्थितियों में आए और किन परिस्थितियों में आपको यहां पर मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, यह हमको मालूम है। इसी साल बांग्लादेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने वहां पर हमारे मतुआ समाज के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के पूजा की थी और देश को और दुनिया को और बांग्लादेश को संदेश दिया था कि चाहे नमोशूद्र समाज हो, चाहे मतुआ समाज हो, मेरा समाज है, हमारा समाज है, हमारे उसकी रक्षा करने के लिए हम आ गए। ये प्रधानमंत्री जी ने संदेश, ये प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था। और फिर उसके बाद आप जानते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने चिंता की है, फिर चाहे हमारा हिंदू भाई, हमारा सिख भाई, हमारा पारसी भाई, हमारा ईसाई भाई, हमारा पारसी भाई, ये सब लोग अगर इनकी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या फिर अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ना हुई हो
तो उनका उनको और वो हमारे देश में आए हो तो उनको यहां पर सुरक्षित तरीके से नागरिकता देने का संकल्प पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, आज जब अफगानिस्तान में हमारे सिख भाइयों के साथ जिस तरीके का वर्ताव हुआ और जिस तरीके से गुरु ग्रंथ साहब को संभाल करके आदरणीय मोदी जी भारत की धरती पर वापस पूरी तरीके से इज्जत के साथ लेकर के आकर के उसको गुरुद्वारे में स्थापित किया गया, ये बताता है कि हमारे मोदी जी दूरंदेशी थे और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विषय को उन्होंने समझ करके कानून बना करके आपको मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे पहाड़ में छोटे छोटे गांव हैं जहां 250 की बसावट है उनको भी जोड़ा है और अब वो भी प्रधानमंत्री घर अपने ग्रामीण सड़क योजना में आ गए हैं। धामी जी की योजना के प्रयास से ये काम हुआ है और मोदी जी ने इसकी स्वीकृति दी है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, टनकपुर बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन, इसका भी सर्वे का स्वीकृति दे दी गई है। इसलिए विकास के नए नए कहां योजनाएं हैं, हरिद्वार से देहरादून के भी जो दोहरीकरण का है उसका भी प्रस्तावित वो भी पूरा हो गया है। उद्धम सिंह नगर में एयरपोर्ट को बढ़ाया जा रहा है, उसका स्टैंडर्ड बढ़ाया जा रहा है। आपको मैं उद्धम सिंह नगर को जहां बधाई देता हूं वहीं आपको बताना चाहता हूं कि अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आपको ऋषिकेश नहीं जाना पड़ेगा, आपको रुड़की नहीं जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उद्धम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा, इस तरीके की बात हो रही है। मित्रों, एक छोटी सी अवधि में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से उत्तराखंड को मुख्य धारा में लाया है, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसमें अपने आप को जोड़ करके शामिल होकर के चलें और बंगाल के जो समाज के लोग हैं जितना आत्मसात आपको धामी जी ने किया है और जितना आशीर्वाद मोदी जी ने दिया है वह भी आप सब लोगों को ध्यान में रहेगा, मैं ऐसा विश्वास के साथ मानता हूं। मेरा विश्वास सही है ना? मेरा विश्वास सही है कि नहीं है? मित्रों, मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखती है। यह कांग्रेस पार्टी नहीं है जो गांव को शहर से लड़ाए, दरिया के इस पार और उस पार में लड़ाए, जातिवाद पर लड़ाए, पहाड़ी और मैदानी इलाके में लड़ाए। ये काम कांग्रेस ने बांट बांट कर देश को और प्रदेश को कमजोर किया है। लेकिन चाहे मैदानी इलाका हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो, चाहे दरिया के वार हो, चाहे पार हो, चाहे वो आप पहाड़ में रहते हो, चाहे मैदानी इलाके में रहते हो, चाहे आप बंगाल के समाज से हो या आप पंजाबी समाज से हो, चाहे आप किसी भी समाज से हो, सबको एक सूत्र में पिरो करके चलने का काम लिया है तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं यही चाहूंगा कि उत्तराखंड को भी मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद पर आप आशीर्वाद बनाए रखेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और बंगाल के लोगों का जो डिमांड है, जो उनकी 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 जो मांगे हैं उसको मुख्य धारा में शामिल करते हुए आगे बढ़ाना हमारा काम है, हम जरूर करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आज आप लोगों ने इतनी शांति से हम सब लोगों को सुना है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबको, बहुत धन्यवाद देता हूं। इतनी शांति से आप लोगों ने और जो आपने स्वागत किया मेरा और हमारे साथियों का, उसने बंगाल के जो जिसको हम रिच कल्चर कहते हैं, जो हम वहां की उच्च कोटि की संस्कृति में का जो आपने परिचय दिया है,
उसके लिए मैं सभी साथियों की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। मैं फिर आऊंगा, हमारी लॉकेट बहन जी जो यहां सहप्रभारी हैं, उन्होंने बांग्ला में आपसे बातचीत करके आपके मन की बात को कहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कलकत्ता हो या कोई और, सब जगह भारतीय जनता पार्टी एक साथ काम में जुटी है और सबको मुख्यधारा में शामिल करने का काम कर रही है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बांग्ला समाज। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।